आपने देखा होगा हमारी मीटिंग के पहले कभी कभी बीजेपी के मीटिंग में भारत माता की जय की जाती है। देखा आपने, जैसे अगर मैं बोलूं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं। मगर ये भारत माता जो है, ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता, हम सब की जय करते हैं। सही बात। तो भारत माता में आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चिड़िया में किसकी कितनी भागीदारी है। सोने की चिड़िया धन पैदा करती है। सवाल यह है, आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है? क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है, या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं, कहते थे, भाइयों और बहनों मैं ओबीसी वर्ग का हूं। आपने सुना? यस, नरेंद्र मोदी को कहते हुए सुना आपने कि मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी का हूं, सुना है? हां या ना? सुना है। ओबीसी की हिंदुस्तान में क्या आबादी है, कोई बता सकता है? कितने हैं हिंदुस्तान में ओबीसी? देखिए, कोई बता नहीं सकता, किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है, किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जय करते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है यह किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में लोगों को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देनी है, तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। जिस दिन मैंने यह भाषण किया पार्लियामेंट में, जिस दिन मैंने यह बात बोली, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं। जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी का पता लगाने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं,
आदिवासी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान को एमपी एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि हिंदुस्तान को एमपी और एमएलए चलाते हैं, गलत फहमी में हो। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या करना चाहते हो, सारे के सारे कहते हैं हम आईएएस में जाना चाहते हैं। फिर उससे पूछो क्यों जाना चाहते हो, कहते हैं आईएएस के अफसर देश को चलाते हैं। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 90 लोग नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। बजट का पैसा कहां जाएगा? स्वास्थ्य में जाएगा, शिक्षा में जाएगा, देश की रक्षा में जाएगा, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। राजस्थान की सरकार को कितना मिलेगा, जीएसटी कितनी लगेगी, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि अगर आप कहते हो कि पिछड़ों की भागीदारी है, तो मुझे ये बता दो कि 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने आईएएस अफसर हैं। बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं। पिछड़ों की आबादी 50% और 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के, 1 अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। मतलब आज पिछड़ों की आबादी तकरीबन 50% और पिछड़ों की हिस्सेदारी 5% से कम। और फिर नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि भैया पिछड़ों की सरकार चल रही है। कौन सी पिछड़ों की सरकार? अगर पिछड़ों की सरकार होती तो कम से कम 45 अफसर, 90 में से 45, मतलब 50% ओबीसी वर्ग के होते। यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ी सी मैं इनकी योजनाओं के बारे में कह देता हूं। फसल बीमा योजना देखिए, 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में जाता है। कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपने ये गुलाबी शर्ट पहनी हुई है, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी उतनी ही जीएसटी अदानी इस शर्ट के लिए देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए दोगे, यहां गरीब से गरीब व्यक्ति, जितना आप दोगे उतना ही पैसा अदानी की जेब से निकलेगा। तो जीएसटी कहां से आती है? जीएसटी गरीब जनरल कास्ट के लोगों से आती है, ओबीसी वर्ग के लोगों से आती है,